कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही वड़ा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कप उड़द दाल ली है। इसे हमने रात भर के लिए पानी में भिगो करके रख लिया है। तो अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे। तो इसमें से पानी हमने निकाल दिया है। अब हम एक जार लेंगे, दाल को हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए, इसे हमने पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसे करीब 8 से 10 मिनट के लिए फेंटेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। आप इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसे हम जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे वड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसे मिला देंगे। अब हम एक बाउल में 2 से 3 ग्लास पानी डालेंगे। आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। चलिए अब हम वड़ा छान लेते हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब इसमें तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, तो गैस यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। अब इसे हम चम्मच की सहायता से इसमें डालते जाएंगे। जितना इसमें आ सके उतना हम इसमें डालेंगे। थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे और इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब ये गोल्डन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल कर नमक वाले पानी में डाल देंगे। इसी तरह हम सभी वड़ा को फ्राई करके नमक वाले पानी में डाल देंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए पानी में रहने देंगे। अब हमने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ध्यान रहे दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इसे हमने फेंट लिया है। अब वड़ा में से पानी निकाल कर फेंटे हुए दही में डाल देंगे। इस तरह से इसे हल्का दबाते हुए इसमें से पानी निकाल देंगे और इसे दही में डाल देंगे। इसे हल्के हल्के हाथों से दही में मिला देंगे। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। अब दही में से हम वड़ा को निकाल करके इसमें डाल देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा फेटा हुआ दही डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम इमली की चटनी डाल देंगे। इमली चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हरी चटनी डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर छिड़क देंगे। थोड़ा सा काला नमक छिड़क देंगे और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर छिड़क देंगे। आप इसकी जगह पर लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क सकते हैं। तो अब दही वड़ा बनकर तैयार है। देखिए दही वड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।